वीडियो में अच्छे व्यूज़ लाने के लिए या फिर वीडियो वायरल होने के लिए थंबनेल का अहम रोल होता है उस वीडियो में। अगर थंबनेल ना हो तो ना ही व्यूज़ आएंगे, ना ही वीडियो वायरल होंगे, ना ही कोई क्लिक करेगा वीडियो पे। तो मैं हूँ केशव, आप देख रहे हैं टेक्निकल केशव। तो स्वागत है आप सीखो हमारे यूट्यूब चैनल में। तो आज की वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि आप बहुत ही आसान तरीके से थंबनेल कैसे बना सकते हो अपने एंड्रॉयड फ़ोन से। थंबनेल को कैसे बनाना है तो मैं आपको इस वीडियो में स्टेप बाय स्टेप बताऊँगा। वीडियो को स्किप मत करना, वीडियो को पूरी एंड तक देखना। बहुत ईजी तरीके से मैं आपको थंबनेल बनाने को सिखाऊंगा। ओके गाइस, तो आप लोग कहोगे इसमें कौन सी बड़ी बात है, तो मैं आप उन सब के लिए बना रहा हूँ जो अभी न्यू चैनल क्रिएट किए हैं। तो चलो वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको चले जाना अपने पिक्सल लैब एप्लीकेशन में। तो मैं यहाँ पे पिक्सल लैब एप्लीकेशन में आ गया। अब यहाँ पे लिखा होगा न्यू टेक्स्ट, तो यहाँ पे थ्री डॉट आपको दिख रहा होगा राइट के ऊपर में। तो यहाँ पे इमेज साइज़ का ऑप्शन है, हमें इस पर कर लेना क्लिक। अब यहाँ पे यूट्यूब थंबनेल का रेशियो सेलेक्ट कर लेना। ओके, अब मैं यहाँ पे सेलेक्ट कर लेता हूँ, यहाँ पे ओके कर देंगे। अब यहाँ पे न्यू टेक्स्ट जो लिखा है इसको यहाँ से डिलीट कर देंगे। ओके, यहाँ पे मैं इसे डिलीट कर दिया। अब यहाँ पे प्लस के आइकन पर हमें क्लिक करना है, फॉर्म गैलरी में चले जाना। अब यहाँ से हम उस फोटो को सेलेक्ट करेंगे जिसे हमें थंबनेल बनाना है। ओके गाइस, तो यहाँ पर मैं एक बैकग्राउंड सेलेक्ट कर लेता हूँ। आप गूगल पे जाके बहुत सारे सर्च करोगे थंबनेल बैकग्राउंड, तो बहुत सारे बैकग्राउंड आ जाएंगे। तो मैं यहाँ पे इसे सेलेक्ट कर लेता हूँ। ओके, इसको हम यहाँ तक यहाँ पे खींचेंगे। ओके गाइस, अब यहाँ पे हमें कुछ नहीं करना, अब यहाँ पे लिख लेना है कि हाउ टू मेक यूट्यूब थंबनेल। ओके, हमें यही बनाना है, अभी कोई वीडियो में डालना नहीं, तो मैं इसलिए आपको लोग को सिर्फ बना के बता देता हूँ। ओके, सबसे पहले हम यहाँ पर क्लिक करेंगे और इसे लॉक कर देंगे ताकि ये हिलेगा डुलेगा नहीं, क्योंकि हिलता डुलता रहता है तो फिर एडिटिंग करने में दिक्कत होती है, तो मैं इसलिए आपको बता दूं। ओके गाइस, अब यहाँ पे मैं टेक्स्ट पे जाता हूँ, यहाँ पे लिखता हूँ हाउ टू मेक यूट्यूब थंबनेल। ओके, तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ हाउ टू मेक यूट्यूब थंबनेल। ओके, तो यहाँ पे मैंने लिख लिया, इसको ऐसे करेंगे ताकि ये पूरी अपना जगह ले ले। ओके गाइस, तो यहाँ पे मैंने लिख लिया हाउ टू मेक यूट्यूब थंबनेल। अब इसकी यहाँ से फ्रंट चेंज करेंगे, तो चलो मैं इसकी फ्रंट चेंज करके आपको दिखाता हूँ। अगर आपको ऐसी फ्रंट अगर चाहिए तो आप मुझे नीचे कमेंट ज़रूर से कर देना, मैं इसके ऊपर एक वीडियो बना दूँगा, आपको अच्छे अच्छे फ्रंट दे दूँगा। ओके गाइस, तो मैं यहाँ पर कोई सा एक फ्रंट ले लेता हूँ। बहुत सारे फ्रंट है मेरे पास, चलो मैं इसी में से ले लेता हूँ ताकि ज़्यादा वीडियो लंबी ना हो। चलो इसी फ्रंट को मैं ले लेता हूँ, इसको छोटा करेंगे थोड़ा सा, इसको ऐसे खींचेंगे। ओके, अब यहाँ पे हमें एक फ़ोटो ऐड करनी है, तो चलो मैं यहाँ पे प्लस के आइकन पे चले जाता हूँ, यहाँ से एक फ़ोटो ऐड कर लेता हूँ। मैं अपनी फ़ोटो ऐड करके आपको दिखा देता हूँ। चलो मैं इसी वाली फ़ोटो को मैं यहाँ पे ऐड कर लेता हूँ। ओके गाइस, तो यहाँ पे मैं इसे हल्का सा छोटा करूँगा, यहाँ पे इसे अब इसमें हम शैडो देंगे ताकि ये दिखने में थोड़ा सा अच्छा लगे। देखो थोड़ा सा अच्छा तो लगा है। अब इसके ऊपर हम इसको हम एडिट कर देंगे इस टेक्स्ट को ताकि ये थोड़ा और अच्छा लगे दिखने में। तो यहाँ से हम जाके इसे कलर चेंज करेंगे, यहाँ पे जाएंगे बारीकी से एक एक करके कलर सबका चेंज कर देंगे ताकि ये थोड़ा सा एट्रैक्टिव लगे दिखने में। तो ओके गाइस, तो यहाँ पे मैं इसे चेंज कर देता हूँ, यहाँ पे इसे मैं आधा को ब्लैक कर लिया आधा को। अब यहाँ पे हम इसकी स्टॉक देके देखते हैं कैसा लगता है। तो ये थोड़ा सा अजीब टाइप का लग रहा था, स्टॉक इसमें हम रहने ही देते हैं, नहीं देते हैं, बंद कर देते हैं। शैडो यहाँ पर देके देखते हैं, तो शैडो भी थोड़ा सा हल्का सा दे देते हैं ताकि थोड़ा सा अच्छा लगे। ओके, अब यहाँ पर हम कुछ नहीं करेंगे, अब यहाँ पे एक YouTube का एक लोगो दे देंगे ताकि यहाँ पे नीचे थोड़ा सा अच्छा लगे, और यहाँ पे लिख देंगे टिप्स एंड ट्रिक्स। ओके गाइस, तो यहाँ पे मैं एक YouTube की लोगो दे दूँगा, इस वाली लोगो को मैं यहाँ पे रख लेता हूँ। ओके, अब इसे यहाँ से थोड़ा सा छोटा करेंगे, अब यहाँ पे थोड़ा सा बड़ा कर देंगे, यहाँ पे मैंने दे दिया। अब यहाँ पे लिख देंगे टिप्स एंड ट्रिक्स, टेक्स्ट पे जाएंगे, न्यू टेक्स्ट पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे इसको ऐसे लाएंगे, यहाँ पे लिखेंगे टिप्स एंड ट्रिक्स। ओके, मैं आपको सिर्फ बना के दिखा रहा हूँ, ये मत सोचना कि इसे मैं अपलोड करने वाला हूँ यूट्यूब पे, तो ऐसा मत सोचना कि मैं किसी वीडियो में इसे यूज़ करूँगा। तो मैं आपको सिर्फ बना के दिखा, इसलिए मैं ये सब लिख रहा हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए कि ज़्यादा
कोई बड़ी बात नहीं, थंबनेल बनाना, इसलिए मैं आपको बता दूं। ओके गाइस, तो यहाँ पे मैंने टिप्स एंड ट्रिक्स लिख दिया। अब इसकी फ्रंट हम यहाँ से चेंज कर लेंगे। ओके, यहाँ पे इसकी फ्रंट हम चेंज कर लेते हैं। ये थोड़ा बड़ा लग रहा है तो इसको छोटा सा थोड़ा सा कर देंगे। थोड़ा सा छोटा करेंगे। अब यहाँ पे हम इसकी शैडो दे के देखते हैं कैसा लगता है। इसकी थोड़ी सी अच्छी लग रही है तो यहाँ पे हल्का सा इसको दे देंगे। ओके, अब यहाँ पे आप देख सकते हो कि मेरा थंबनेल बनके बहुत ही अच्छे तरीके से तैयार हो चुका है। अगर आप इसमें चाहोगे तो बहुत सारे एडिट इसमें आप कर सकते हो। यहाँ से आप इसको लॉक कर सकते हो ताकि हिलेगा डुलेगा नहीं। जैसे मान के चलो यहाँ पे हाउ टू मेक ये हिलेगा, इसलिए हिलेगा क्योंकि इस पर मैंने लॉक नहीं लगा रखा है। अब यहाँ से मैं इस पर भी लॉक लगा दूंगा, देखो ये हिलेगा नहीं। ओके, अब ये भी हिलेगा डुलेगा नहीं। आप इसमें अच्छी तरीके से बहुत ही अच्छे अच्छे डिज़ाइन करके आप थंबनेल बना सकते हो। लेकिन मैं आपको इसलिए ऐसे बताया था कि थंबनेल में जो यूज़ होता है, मतलब बस इतना ही चीज़ यूज़ होता है, बस इतना ही चीज़ से आदमी इस पर वो करता है। ओके गाइस, फोकस करता है। अब यहाँ पे मैं इसके ऊपर एक ब्लैक कलर का ये भी दे के देखता हूँ कैसा लगता है। खैर नहीं, अच्छा लग रहा है, हल्का सा अच्छा लग रहा है। तो यहाँ पे देख रहे हो थोड़ा सा और अच्छा लगने लगा थंबनेल यहाँ पे। अब इसको यहाँ से करेंगे क्या करेंगे, अब यहाँ से इसे सेव करेंगे। ओके, यहाँ पे मैं इसे सेव एज इमेज पे चले जाता हूँ। यहाँ पे जेपीजी को पीएनजी कर दूंगा ताकि एसडी में सेव हो। यहाँ पे मैं सेव टू गैलरी, अब यहाँ पे ये थंबनेल सेव हो चुका है। ओके, अब आपको मैं बता दूँ कि आपको वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को आप एक लाइक कर दे, चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और शेयर कर सको जितना उतना शेयर कर दो। मिलता है किसी और नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ले जय हिंद, वंदे मातरम।